अब दिल्ली में लागू होगा गुजरात मॉडल। गुजरात वाले कानून से दिल्ली सवरेगी। शराब माफिया ड्रग्स तस्कर की अब खैर नहीं। दिल्ली में एलजी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से सिफारिश ही ऐसी कर दी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने लिए ऐसी ही शक्तियों की मांग की है कि वो पहले के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर हो जाएं। गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 के तहत शराब ड्रग्स तस्कर मानव तस्कर आदतन अपराधी और खतरनाक व्यक्ति प्रॉपर्टी हड़पने वालों बार बार जानबूझकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान है। 2 अगस्त 1985 को यह एक्ट गुजरात सरकार के बजट में प्रकाशित हुआ था लेकिन लागू 27 मई 1985 को ही हो गया था। फिर साल 2020 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। जुआ सट्टा रैकेट चलाने वालों प्रोस्टिट्यूशन एक्ट गौ हत्या साइबर क्राइम और यौन शोषण से जुड़े अपराधी भी संशोधन के बाद इस कानून के दायरे में आ गए और अब इसी कानून को दिल्ली में लागू करने की मांग की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की मंजूरी मांगी है। अगर ये कानून दिल्ली में लागू हो जाता है तो राजधानी में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। पहले दिल्ली के गृह विभाग ने 27 जून को गुजरात के अधिनियम को दिल्ली में लागू करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव सौंपा था। दिल्ली सरकार के कानून विभाग ने इस पर टिप्पणी के साथ मसौदा अधिसूचना की समीक्षा की है। समीक्षा में कहा गया है प्रशासनिक विभाग को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन GNCTD अध्यादेश 2023 के साथ GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों और व्यापार के लेनदेन के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कानून सिर्फ गुजरात में ही है बल्कि तेलंगाना में भी एक कानून है लेकिन लंबी रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि गुजरात का कानून हर मायने में ज्यादा बेहतर है। इस कानून के मकसद की बात करें तो इस कानून में सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए अपराधियों खतरनाक व्यक्तियों नशीली दवाओं के तस्करों और संपत्ति हड़पने वालों को हिरासत में रखने का प्रावधान है। कानून का मुख्य मकसद सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आरोपी को एहतियातन हिरासत में रखना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कानून से किसी को परेशानी नहीं हुई। जब गुजरात में भी ये कानून लागू किया गया था तो काफी आलोचनाएं हुई थी। आरोप लगाया गया था कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कोर्ट की ओर से भी एक्ट को लेकर फटकार लगाई जा चुकी है। ये कानून 2 साल पहले भी चर्चा में रहा था जब एक डॉक्टर को इस कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया था। उदाहरण के तौर पर इस कानून का सेक्शन 6 सरकार को शक्ति देता है कि वो किसी व्यक्ति को मल्टीप्लेक्स ग्राउंड यानी कि अलग अलग आधार पर हिरासत में ले सकती है। प्रत्येक ग्राउंड के लिए अलग अलग हिरासत आदेश भी दे सकती है। ऐसे में अगर न्यायालय में कोई एक आधार खारिज हो जाता है तब भी उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का आदेश कायम हो सकता है। वहीं इसी कानून का सेक्शन 3 भी काफी अहम है जो कहता है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि वो संतुष्ट है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी शख्स को हिरासत में लेना जरूरी है तो उसे डिटेन कर सकती है। इस सेक्शन में कहा गया है कि आरोपी को गुजरात की किसी भी जगह से हिरासत में लिया जा सकता है और राज्य के किसी दूसरे इलाके में भी रिलीज किया जा सकता है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव पर क्या कहता है। गुजरात के इस मॉडल को दिल्ली में लागू करने के लिए गृह मंत्रालय इसकी क्या अच्छाई और क्या बुराई गिनवाता है। आपका इस कानून के बारे में क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है कि गुजरात मॉडल लागू करके दिल्ली को अपराध मुक्त किया जा सकता है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।